हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभदीप और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिश्रा जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और बिटकॉइन के बारे में आजकल आप लोग सुनते ही होंगे कि कुछ क्रिप्टो करेंसी है, ये बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा आज का वीडियो इसी बारे में है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा कि बिटकॉइन है क्या। एक्चुअल में बिटकॉइन जो है वो एक इनविजिबल करेंसी है, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। और मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा तो ही आपको ये बात समझ में आएगा कि आपने मैं बिटकॉइन को गोल्ड के साथ कंपेयर करता हूँ तो शायद ये बात आसानी होगी समझने में। मान लीजिए कि आपने एक गोल्ड खरीदा, मतलब एक गोल्ड का वैल्यू है, एक बार मार्केट में निकला है कि 1 केजी का एक बार है और उसका प्राइस है मान लीजिए 10,000। ठीक है, आपने क्या किया, आपने 50,000 का इन्वेस्ट कर दिया, मतलब आपके पास 5 बार आ चुका है। अब आपने इन्वेस्ट तो किया, आपके पास बार भी है, तो आपका फायदा कहाँ से होगा। अब 2-3 साल या 1 साल वेट किए और जब उसका वैल्यू बढ़ जाए, मतलब जो बार आपको 10,000 में मिल रहा था वो आपको 50,000 में जब मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, जितने गोल्ड आपने खरीदे थे उतने गोल्ड आप मार्केट में सेल कर देंगे। तो ये बेसिक सा फंडा है बिटकॉइन का भी। फर्क इतना है कि गोल्ड आपको दिखेगा, बिटकॉइन आपको दिखेगा नहीं। ये इसका कोई फिजिकल आकार नहीं है और इसका कोई लिमिटेशन नहीं, मतलब कि इंडिया में चलेगा, पाकिस्तान में नहीं चलेगा या फिर बांग्लादेश में नहीं चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। ये इंटरनेशनल करेंसी है, कहीं पे भी ये चल जाएगा। और इस करेंसी के वजह से आप, मतलब इसे यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ, आप इस करेंसी को अपने कंट्री के करेंसी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक बिटकॉइन का प्राइस 10 लाख से 13 लाख अभी का है, तो वो जो बाद में हो सकता है 50 लाख हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अभी ये 10,000 मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया, ओनली 10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया बिटकॉइन पे, तो 1 साल बाद जो होगा, अभी जो प्राइस है बिटकॉइन का 10 लाख, 1 साल बाद वो 20 लाख हो सकता है। तब 10 लाख का जितना परसेंटेज आपको मिला था कि एक बिटकॉइन का कुछ हिस्सा आपको मिला था, तो वही हिस्से का प्राइस भी डबल हो जाएगा या भी उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और बिटकॉइन का आजकल का जो ग्रोथ है वो बहुत ही हाई लेवल पर है, मतलब बहुत ऊपर जा रहा है। 2 साल पहले जो रेट था, मतलब 2 साल पहले जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, आज वो लोग माला माल हो चुके हैं। और ज़्यादातर मुझे पता है कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल है, बिल्कुल लीगल है। तो ये है बेसिक से फंडा बिटकॉइन का। और इससे भी डिटेल्स में कुछ आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डिटेल्स में इसका बात करूंगा। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया। अब आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप एंड्रॉयड मोबाइल तो आपके पास है ही, मैं इस एप्लीकेशन का लिंक आपको दूंगा जिसका नाम है जिप पे। उस एप्लीकेशन में जाके आप अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड को वेरीफाई करवाना होगा। वेरीफाई करने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई भी अमाउंट 10,000 हो, 20,000 हो या फिर 1 लाख हो या उससे भी ज़्यादा आप अगर है तो। लेकिन मैं कहूँगा जितना हो सके कम कीजिए, मतलब जो डूबने पर आपका टेंशन ना हो। इसमें रिस्क है क्योंकि इसका कोई बॉडी नहीं है, कोई रेगुलेट नहीं करता है इसको, कौन है कहाँ पर है कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, चल रहा है आजकल इसी का ही मार्केट है। तो जितना हो सके आपके हिसाब से कीजिए कि जितना अमाउंट आपका अगर चला भी जाए तो आपको लॉस नहीं होगा, ऐसा मान के कीजिए। और अगर अकेले नहीं कर पाते तो 10-12 फ्रेंड तो आपके होंगे ही, एक साथ एक अकाउंट बना कर कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो जाएगा तो ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और हाँ, एक्चुअल में दोस्तों देखिए, रिस्क है लेकिन हाँ, रिस्क लेना चाहिए क्योंकि ज़माने के साथ अगर आप खुद को नहीं आगे ले जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और बाकी सारे जो है आगे निकल जाएंगे। तो ये तो रहा अलग बात। और इन्वेस्टमेंट कैसे करना ये भी मैं आपको बता दिया। मैं एप्लीकेशन में जाइएगा, सिंपल इंटरफेस है, बहुत सारा एप्लीकेशन है, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही सिंपल है और इजी यूज्ड है, तो इसे बिल्कुल ट्राई कीजिए, देखिए। और हाँ, बिटकॉइन का और एक फ़ायदा है, बिना इन्वेस्टमेंट करके भी आप
बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं, उसके लिए आपको माइनिंग करना पड़ेगा। तो माइनिंग के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि माइनिंग के लिए आपके पास एक बहुत ही हाई एंड ग्राफिक्स के साथ एक पीसी की ज़रूरत है, जिसके थ्रू आप माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग आजकल बहुत ज़ोरदार से चल रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ कि माइनिंग करूँगा, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा बहुत मैंने इन्वेस्ट किया, देखता हूँ क्या होता है, एक साल बाद क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर माइनिंग के बारे में भी जानना है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। थैंक यू।